कि हर कोई उम्मीदवार जो है वो चाहता है प्रत्याशी जो है वो चाहता है कि आपकी वहाँ पर सभा हो क्योंकि एक जीत की उसे एक आस लगी रहती है जहाँ हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी एक एपी सेंटर है तो मेरा सवाल ये है कि केवल भाजपा के लोग ही नहीं जो इच्छुक हैं वो भी नहीं बल्कि अन्य पक्ष पार्टियों के भी नेता यहाँ पर आते हैं तो हर पॉलिटिकल समस्या का जो एक आंसर है जो उत्तर है वो देवेंद्र फडणवीस बनते नजर आ रहे हैं <laughs> नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है देखिए हमारा जो कोएलिशन है इसमें एक सीनियर पार्टनर के रूप में हम लोग हैं 115 सीटें हमारी है और भारतीय जनता पार्टी एक महाराष्ट्र में बहुत डीप रूटेड इस प्रकार की पार्टी है हर जगह हमारा संगठन है वो मजबूत है और एक महाराष्ट्र की राजनीति में, में मेरा अपना एक कनेक्ट रहा है तो इन सारी चीज़ों के चलते अलायंस पार्टनर्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होता है या कहीं ट्रबल शूटिंग करनी होती है तो उसको करने की कोशिश मैं करता हूँ क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से सभी पार्टियों में संबंध है सभी नेताओं से संबंध है तो उसको उपयोग करने की कोशिश करता हूँ जैसे कि मैंने कहा कि सौ से ऊपर अभी हम देख रहे हैं आपकी रैलीज हो रही है तो हर एक उम्मीदवार चाहता है शायद कई बार गुहार भी लगाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए और हमारे लिए आप लोगों से वोट मांगिए ऐसा है कि सबसे ज़्यादा तो लोगों की मांग होती है कि प्रधानमंत्री जी की रैली हो लेकिन प्रधानमंत्री जी की इतनी रैलियाँ तो मिलती नहीं है फिर लोग होम मिनिस्टर साहब की रैली मांगते हैं योगी जी की रैली मांगते हैं तो चुनाव जब होता है तो एक प्रकार से जो रैलियाँ हैं ये एक माहौल को खड़ा करती है माहौल उठता है उसके कारण एक चुनाव का माहौल तैयार होता है कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है तो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लीड कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे लोग बुलाते हैं रैलियों में और मैं पाँच साल मुख्यमंत्री रहा हूँ महाराष्ट्र की राजनीति में एक अपना मेरा वजूद है तो इसलिए हमारे अलायंस पार्टनर्स भी कहते हैं तो मैं उनकी जगह भी जाता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली उनके भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुनकर लाना है हमारी जिम्मेदारी हम मानते हैं यानी जैसे उनकी जिम्मेदारी उतनी हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि वो चुनकर आएंगे तो मोदी जी के साथ ही खड़े होंगे इसलिए जहाँ बुलाया जाता है मैं वहाँ जाता हूँ और अगर हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद ट्वेंटी फोर बाय सेवन काम करते हैं तो हम कम से कम पंद्रह सत्रह घंटे तो काम कर ही सकते हैं